so we are doing permutation combination. Okay, so yesterday what I have told you about permutation. Permutation literally means arrangement. ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि permutation का मतलब होता है simply arrangement. Combination का मतलब क्या होता है? Combination का मतलब होता है selection. हाँ, लेकिन एक चीज़ बड़ी important है यहाँ पर. जब भी हम चीज़ों को arrange करते हैं, order is very important. ठीक है, red से लिखूँगा. क्या important है? Order is very important. अच्छा, इसको order is important का मतलब क्या है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है, सिलेक्शन में ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सिलेक्शन में ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर तीन मेंबर्स हैं, सपोज ए बी सी. ठीक है, ए बी सी तीन मेंबर्स हैं. अगर इनको मैं अरेंज करूँ बेटा, अरेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ रखूँ बी ए सी, तो मैंने इनका जो सिटिंग है वो अरेंज करा है. ठीक है, B को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, A को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, C को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया. ठीक है, तो ये एक दूसरा अरेंजमेंट है. तो जब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ तो अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ रहा है ना बेटा. ये एक अरेंजमेंट है, ये दूसरा अरेंजमेंट है. ऐसे मैं बहुत सारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना सकता हूँ. मैं सी ए बी बना सकता हूँ, ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है. लेकिन अगर मैं बात सिलेक्शन की करूँ बेटा, सपोज आउट ऑफ फ्रॉम ए टू जेड, सपोज आई हैव टू सिलेक्ट ए बी सी, तो चाहे मैं उसको ए बी सी ऐसे सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं उसको सी ए बी सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं उसको बी सी ए बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तीन लोग तो हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, तो सिलेक्शन में तो मुझे ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है ना. हाँ, अरेंज जब मैं उनको कर रहा हूँ तो वहाँ पर ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट बेटा. किसको आगे रख रहा हूँ, किसको पीछे रख रहा हूँ, वो अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं. लेकिन जब मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है. आगे पीछे भी हो, लेकिन अल्टीमेटली तो तीन ही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और वो तीन कौन है? ए बी सी, चाहे मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूँ. तो सिलेक्शन में ऑर्डर इज़ नॉट गिवन प्रेफरेंस, या ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इन अरेंजमेंट ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए. उसके अलावा मैथमेटिकली हम लोग अरेंजमेंट को कैसे लिखते हैं? ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखी थी. मैंने बोलता है NPR को क्या बोलते हैं हम? द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम इज डिफाइंड बाय NPR. NPR इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम. मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा? NCR. ठीक है, मतलब आउट ऑफ n आई हैव टू सिलेक्ट r. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r आउट ऑफ n. इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, मैंने फॉर्मूले में भी बच्चों को बताया था कि ये जो टर्म आया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये क्या है? ये तो खुद पे NPR है. ठीक है, तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ यहाँ पर वैल्यू इसकी, तो ये दिस विल बी 1 अपॉन r फैक्टोरियल इनटू NPR हो जाएगा बेटा. तो यहाँ से NPR की वैल्यू क्या आ जाएगी? NPR विच इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट, इट विल बी नथिंग बट NCR इनटू R फैक्टोरियल. व्हाट डज इट मीन? बड़ा अच्छा फंडा यहाँ से एक निकल के आया बेटा, कि जो NPR है, जिसको हम लोग अरेंजमेंट कह रहे थे तब से, अरेंजमेंट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सिलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मैं आपसे बोलूँगा बेटा, नंबर ऑफ बुक्स पढ़ी हुई है यहाँ पर, देर आर नंबर ऑफ बुक्स. मैंने आपसे कहा कि आपको फिजिक्स की बुक अरेंज करनी है, केमिस्ट्री की करनी है, बायो की करनी है, और वो पढ़ी हुई है. तो अरेंज करने से पहले आप क्या करोगे? उन बुक्स को सिलेक्ट तो करोगे ना. सो सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट. तो अरेंजमेंट का मतलब क्या है? सिलेक्शन फर्स्ट एंड देन अरेंजमेंट. तो कभी कभी अरेंजमेंट में क्या आता है? सिलेक्शन भी आता है. आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एज यू विश. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, तो आपने क्या देखा कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अगर हमें किसी चीज़ को अरेंज करना है तो हम पहले उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, और फिर इसको क्या कर सकते हैं? अरेंज. आर फैक्टोरियल इज नथिंग बट अरेंज. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन यस्टरडे. ये सारी चीज़ें हम लोग कल कर चुके हैं. तो अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सर अब हम क्वेश्चंस में कहाँ पर NCR यूज़ करेंगे, कहाँ पर NPR यूज़ करेंगे. ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर. ठीक है, अगर आपको अरेंज करना है तो यू कैन यूज़ इवन NCR वाला फार्मूला ऑल्सो. ठीक है, आप पहले सेलेक्ट करो फिर अरेंज करो, यू विल गेट द सेम. क्योंकि फॉर्मुलेटिव ये या ये दोनों सेम ही तो है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना. अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपका. इतना क्लियर हुआ, दिस इज़ द बेसिक थिंग. अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज़ और देखा था. अगर एज फार एज द अरेंजमेंट इज़ कंसर्न, अगर मैं बात सिर्फ NPR की करूँ, तो मैंने कहा था NPR कब वैलिड होगा बेटा? व्हेन NPR विल बी वैलिड? NPR विल बी वैलिड व्हेन द वैल्यू ऑफ R, ये कब वैलिड हो गया? होगा जब R की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू N. ठीक है, R N से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि बेटा आउट ऑफ, अगर पाँच लोग हैं तो पाँच में से मैं छः को कैसे अरेंज करूँगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना. है ही पाँच लोग, पाँच में से छः को अरेंज करो कहूँगा तो मैं कैसे करूँगा?
ठीक है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर मैथमेटिकली आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एन. अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, तो इट वॉज जस्ट अ क्विक रिविजन. लेकिन बिफोर डूइंग क्वेश्चंस फर्स्ट लेट मी टेल यू सम प्रिंसिपल ऑफ और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, लेट मी टेल यू सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अच्छा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किस चिड़िया का नाम है, लेट्स टॉक अबाउट इट. ठीक है, बेसिक काउंटिंग है. आपसे मैं सबसे पहले चीज़ एक चीज़ बताता हूँ. सपोज ठीक है यहाँ पर अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ये कुछ लोग बैठे हुए हैं इन रोज एज वेल एज इन कॉलम्स. ठीक है, अगर ये कुछ लोग बैठे हुए हैं इन रोज इन कॉलम्स, तो मैं अगर बहुत सारे लोग हैं तो मैं इनको कैसे काउंट करूँगा. ठीक है, एक तो सिंपल मेथड है, मैं ऐसे काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6. इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन काउंट द नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5. ये रोज है बेटा, हॉरिजॉन्टल ये रोज है. हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3 4 5 5 रोज. और मैं क्या काउंट कर सकता हूँ, कॉलम्स. कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. सो देर आर 5 1 2 3 4 5 5 रोज एंड 6 कॉलम्स. तो अगर आप रोज इनटू कॉलम करोगे या कॉलम इनटू रो करोगे, अगेन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग लाइक 1 2 3 4, मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये भी क्या एक तरीका है बेटा काउंटिंग का. तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ काउंटिंग का कि आप लोग काउंट कैसे करोगे. ठीक है, रादर गोइंग दिस कन्वेंशनल वे आप क्या करोगे, रोज इनटू कॉलम्स करोगे डायरेक्टली. व्हाट यू विल डू, हाँ रोज इनटू कॉलम्स. तो रोज कितनी है, 5 इनटू 6 कितने जाएगी, 30 मेंबर्स या 30 स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाकर सपोज मैं इसको m कर दूँ, सपोज देयर आर टोटल m कॉलम्स एंड रोज को बढ़ाकर मैं कितना कर दूँ, रोज को बढ़ा के मैं n कर दूँ, n. सपोज देयर आर टोटल हाउ मेनी रोज, n रोज. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, m into n. जस्ट हैव टू रिमेंबर रोज इंटू कॉलम्स. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. नोट इट डाउन फर्स्ट पुट द हेडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन फ्यू मॉडल. ठीक है, कुछ मॉडल के हिसाब से पढ़ते हैं. तो ये m into n भी लिख लेना इन जनरल ना, इफ देयर विल बी m रोज और n कॉलम्स, और आई कैन से m कॉलम्स और n रोज, m into n विल बी द आंसर. ठीक है, आप चाहे रोज पहले लिखो चाहे कॉलम पहले लिखो, डजेंट मैटर. ठीक है, डजेंट मैटर. अच्छा नाउ अब इसको हम लोग मॉडल के हिसाब से पढ़ते हैं बेटा. तो फर्स्ट मॉडल क्या है मेरा, फर्स्ट मॉडल सेज सी ईयर. ठीक है, अच्छा मॉडल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मॉडल विल स्टडी नाउ. अच्छा मॉडल नंबर 1 सेज कि अगर आपको सपोज मैं कंडीशन देता हूँ, सपोज इफ़ यू हैव टू गो टू दिल्ली फ्रॉम देहरादून, अगर आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, देहरादून टू दिल्ली वाया हरिद्वार. ठीक है, तो एक टाइप बना दिया मैंने. ठीक है, एक टाइप आपको काउंटिंग समझाना चाह रहा हूँ. सपोज एक डायग्राम बना लेता हूँ, सपोज दिस इज देहरादून. अगर आपको देहरादून से कहाँ जाना है, दिल्ली, अगर आपको देहरादून से कहाँ जाना है, दिल्ली वाया हरिद्वार, वाया हरिद्वार मतलब हरिद्वार होते हुए. ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है आपको यहाँ पर. ठीक है, अगर मैं कभी भी कोई भी टास्क अगर हमें दिया हो काउंटिंग का, अगर वो अंडर प्रोसेस चल रहा है बेटा, इफ़ इट इज़ गोइंग अंडर प्रोसेस, तो आप हमेशा कौन सा साइन यूज़ करोगे, मल्टीप्लीकेशन का. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है, तो मैं सबसे पहले कहाँ गया, मैं गया देहरादून से हरिद्वार. क्या मेरा काम पूरा हो गया, नहीं. मुझे कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, तो मैं बीच में कौन सा साइन यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई का. ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर एज अ नोट आप लोग के लिए, एक छोटी सी चीज़, फिर मैं इस पर दोबारा आता हूँ. मैं क्या लिखूँगा, जो भी चीज़ आपकी अंडर प्रोसेस रहेगी, अंडर प्रोसेस, या कहीं पर आपका क्या लिखा रहेगा, एंड का मतलब है भी काम पूरा नहीं हुआ. ठीक है, तो आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, एंड का मतलब है हिंदी में और भी लिखता हूँ और. ठीक है, तो आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन. और सेट्स में आप इसी को किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, हाँ मल्टीप्लीकेशन को इंटरसेक्शन से. बेटा इसी के बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे, ये इट्स अ बेसिक फॉर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो वहाँ पर विल यूज सच साइंस. हाँ ठीक है, सेट्स वी हैव ऑलरेडी डन. अच्छा अगर मैं और, इंग्लिश वाला और, हिंदी में इसको बोलते हैं या मैं तब बोलूँगा. फॉर एग्जाम्पल कि मैं सपोज अगर बहुत सारे रास्ते हैं दिल्ली जाने के, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है,
तो मेरा जो टास्क है वो है देहरादून से दिल्ली पहुँचने का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं देहरादून से दिल्ली पहुँच गया इस रास्ते या इस रास्ते या इस रास्ते। जब मैं या यूज़ कर रहा हूँ, कब यूज़ कर रहा हूँ, जब मेरा काम कंप्लीट हो जा रहा है और मैं एक दूसरा ऑल्टरनेट दे रहा हूँ, तब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, या। तो जब मैं या यूज़ करूँगा बेटा, यू विल यूज़ विथ साइन प्लस, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है सेट में, यूनियन। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो दिमाग में आप अभी से फीट कर लो ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ अंडर प्रोसेस चल रही है तो विथ साइन आई विल यूज़ मल्टीप्लीकेशन साइन। और अगर बाय द वे काम हो गया मेरा और मैं कोई दूसरा ऑल्टरनेट भी दे रहा हूँ या, देन वी विल यूज़ प्लस साइन, ठीक है। ये भी आप एज अ नोट ज़रूर इसको लिखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो एक टाइप मेरा वन है, जो मॉडल मेरा वन है, वो क्या कह रहा है कि आपको यू हैव टू गो फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली वाया हरिद्वार। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि सपोज, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि देहरादून से हरिद्वार जाने के तीन रास्ते हैं कि आप देहरादून से हरिद्वार तीन रास्तों से जा सकते हो, और हरिद्वार से दिल्ली जाने के चार रास्ते हैं सपोज। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज देखूँ, इफ़ आई विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो टू दिल्ली फ्रॉम देहरादून, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकालूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो तरीका क्या है, आप नॉर्मल काउंटिंग भी कर सकते हो कि सर पहले आप इस रास्ते से जाओ, फिर ये ऊपर वाला रास्ता लो, तो ये तो एक तरीका हो गया। सर आप ऊपर से जाओ नीचे वाला लो, दूसरा हो गया। सर ऊपर से जाओ तीसरा वाला पाथ लो, तीन ऐसे चार, फिर इसके साथ भी चार, फिर इसके साथ भी चार, तो टोटल कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज, 12 नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। या आप क्या कर सकते हो, जो सिंपल जो हमने अभी सीखा, क्या कर सकते हो, देहरादून से हरिद्वार जाने के रास्ते कितने, 3। क्या मेरा काम हो गया पूरा, क्या मैं दिल्ली पहुंच गया, नहीं, अंडर प्रोसेस हूँ। कौन सा साइन यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई। अब हरिद्वार से दिल्ली जाने के रास्ते कितने, 4। माय आंसर विल बी 12 वेज, माय आंसर विल बी 12 वेज। अच्छा, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दे सकता है आपको, आपसे ये भी कह सकता है कि आप मुझे बताओ कि आपको पहले देहरादून से हरिद्वार जाना है, फिर हरिद्वार से दिल्ली, फिर अगेन यू हैव टू कम बैक, ठीक है। तो वो भी दे सकता है आपको दूसरा रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या था, सपोज अगर आपसे बोले दूसरा, आपको एक कंडीशन ये दी कि देहरादून टू दिल्ली एंड बैक टू देहरादून अगेन वाया हरिद्वार ओनली, तो इसको कैसे करेंगे हम। अब आपका टास्क क्या है बेटा, कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी, जब आप देहरादून से दिल्ली पहुँचोगे और दिल्ली से वापस देहरादून पहुँचोगे, तब जाकर आपका टास्क कंप्लीट होगा, नहीं तो अंडर प्रोसेस रहेगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले देहरादून से हरिद्वार जाने के रास्ते कितने, 3 into, क्या मेरा काम हो गया, नहीं। अब हरिद्वार से दिल्ली जाने के रास्ते कितने, 4, मेरा काम हो गया, नहीं, into। अच्छा, फिर दिल्ली से हरिद्वार आने के रास्ते कितने, वापसी भी कितने, 4 into 4। अच्छा, फिर हरिद्वार से देहरादून आने के रास्ते कितने, 3। दिस विल बी माई आंसर। अच्छा, आपको और भी रिस्ट्रिक्शन दे सकता है, आपसे ये बोलता है कि आप जिस रास्ते जाओगे उस रास्ते वापस नहीं आ सकते, हाँ, आपसे ये भी कह सकता है कि आप जिस रास्ते जाओगे उस रास्ते वापस नहीं आ सकते, मतलब जो भी आपका रूट होगा फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, वापसी वो रूट नहीं होगा। तो मैं आपको ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, जाते वक्त तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, तो अगर मैं जाने की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जाने की बात करूँ, जाते तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, अगर मैं जाने की बात करूँ देहरादून से हरिद्वार, किससे जाओगे आप, कितने रास्ते होंगे, 3। हरिद्वार से दिल्ली कितने रास्ते होंगे, 4। अच्छा, अब आपको दिल्ली से वापस आना है हरिद्वार। अब दिल्ली से हरिद्वार आने के लिए आपको ये तो पता है ना, आपने इन चारों में से कोई ना कोई एक रूट तो ज़रूर लिया होगा। अब वो एक रूट कौन सा है, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कभी नहीं निकाल सकते, लाइफ में कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि डेफिनेटली आई हैव टेकन वन ऑफ द रूट। इसका मतलब रिमेनिंग 3 रूट मेरे लिए क्या होंगे, खाली होंगे, जिससे मैं वापस जा सकता हूँ। सपोज इफ आई हैव टेकन दिस रूट, सपोज, तो मेरे पास 3 है ना वापस आने के लिए, तो अब दिल्ली से हरिद्वार आने के लिए मेरे पास कितने रूट है, 3, ठीक है। तो मैं हरिद्वार पहुँच गया, क्या मेरी कहानी खत्म हो गई, नहीं, into। अब हरिद्वार से देहरादून आने के कितने रूट है, डेफिनेटली मैं किसी एक रूट से गया हूँ, मुझे उस रूट से वापस नहीं आना। तो एक रूट आप कोई सा भी मान लो, सपोज यहाँ से मैं गया था, तो वापस आने के कितने रूट है। तो इन क्वेश्चंस ही कैन गिव यू एनी रिस्ट्रिक्शंस बेटा, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखना है, कितने नंबर ऑफ वेज, कितना सिंपल अकाउंटिंग है, ठीक है। नोट इट डाउन, दिस इज मॉडल नंबर 1। इट सेज इफ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली वाया हरिद्वार, ठीक है। वेरियस क्वेश्चंस इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एनडीए एग्जाम बेस्ड ऑन दिस मॉडल, अभी करेंगे हम लोग। और स्टेप बाय स्टेप, सी स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप क्या था, देहरादून से हरिद्वार, फिर दूसरा स्टेप क्या था, हरिद्वार से दिल्ली, ठीक है। तो पीएनसी इज
बेटा एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो बच्चे का दिमाग घुमाता है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है, ठीक है, तभी आपका आंसर सही आएगा। और प्रैक्टिस मांगता है बेटा ये चैप्टर याद रखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ही फंडामेंटल्स क्लियर, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतने ही फंडामेंटल्स क्लियर हो आपके, ठीक है। वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटी आल्सो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आईआईटी इज़ आल्सो नॉट टफ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन दिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में। अच्छा, नोट दिस ऑल्सो बेटा, ये जो मैंने रेड से लिखा है ना, इसको भी नोट कर लेना कि कहीं पर भी हम एंड का यूज़ करेंगे, एंड मीन्स इट इज़ गोइंग अंडर प्रोसेस, नोट इट डाउन फास्ट। दिस इज़ आवर मॉडल नंबर वन। मैं कह सकता हूँ इन जनरल आई कैन से दिस ऑल्सो कि अगर देहरादून से हरिद्वार जाने का रास्ता एम है एम, और हरिद्वार से दिल्ली जाने के रास्ते एन है, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी नथिंग बट एम इन टू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज नथिंग बट एम इन टू एन, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू मॉडल नंबर टू नाउ, ठीक है। तो मॉडल नंबर टू है हमारा सिनेमा हॉल, मॉडल नंबर टू है हमारा सिनेमा हॉल, ठीक है। अब आप कितने तरीके से फिल्म देख सकते हो, ठीक है, वो मॉडल नंबर टू है मेरा सिनेमा हॉल। अच्छा, फिल्म देखने का मतलब क्या है, ठीक है, फिल्म देखने का मतलब यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता दूँ पहले। सपोज़ अगर ये कोई सिनेमा हॉल है, सपोज दिस इज़ अ सिनेमा हॉल, ठीक है, और ये इसकी स्क्रीन है, ठीक है, ये फ्रंट स्क्रीन है, ये उसकी स्क्रीन है। अच्छा, अब इस सिनेमा हॉल में ये सारी वॉल्स हैं साइड की, और इसमें हर एक वॉल में एक एक डोर है, ठीक है। सपोज ये D1 है, इस डोर से आप एंट्री भी ले सकते हो और एग्जिट भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज ये डोर D2 है, ये डोर D2 है, ये डोर D3 है, ये डोर D4 है, ये डोर D5 है, सो देर आर 5 डोर्स, ठीक है। अच्छा, फिल्म देखने का मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी डोर से एंट्री ली और किसी भी डोर से एग्जिट लिया, इसका मतलब आपने फिल्म देख ली, ठीक है। फिल्म देखने का मतलब क्या है यहाँ पर, फिल्म देखने का मतलब है आपने एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है, ठीक है। अच्छा, अब कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ वेज आप देखना है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ आपको, ठीक है, दिखा भी देता हूँ आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू टेक एंट्री एज वेल एज एग्जिट, अगर मैं D1 से गया सपोज और D1 से बाहर आ गया, तो इसका मतलब मैंने फिल्म देख ली, अच्छा। और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, D1 से गया और D2 डोर से वापस आ गया तो तब भी फिल्म देख ली। और क्या हो सकता है, D1 से गया D3 से आ गया, या फाइनली क्या हो सकता है, D1 से गया और D5 से बाहर आ गया, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, D2 से गया D1 से बाहर आ गया, मैंने फिल्म देख ली। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, D2 से गया D2 से ही बाहर आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, D2 से गया D3 से आया, सो ऑन, D2 से गया D5 से आ गया बाहर, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, D5 से गया और D1 से वापस आया, D5 से गया D2 से वापस आया, सो ऑन, D5 से गया और D5 से वापस आया, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूँ तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 5 रोज 5 कॉलम्स, कितने आगे, 25 तरीके से आप लोग फिल्म देख सकते हो, ठीक है। ये तो कन्वेंशनल मेथड था, लेकिन हमें यहाँ कैसे करना है एग्जाम में, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कैसा आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, लेट्स सी टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएगा। अच्छा, अंदर जाने के कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, क्या मैंने फिल्म देख ली, नहीं, अंडर प्रोसेस इनटू, बाहर आने के कितने रास्ते हैं, 5, कितने हो गए टोटल वेज, 25, एग्जाम में तो ऐसे करेंगे। अच्छा, आपको कभी कभी कुछ रिस्ट्रिक्शन दे सकता है, सपोज इफ आई गिव यू वन रिस्ट्रिक्शन दैट जहाँ से एंट्री करोगे वहाँ से एग्जिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। सपोज अगर आपसे कहता है कि एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेम डोर इज नॉट अलाउड, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेम डोर, फ्रॉम द सेम डोर इज नॉट अलाउड, अगर वो आपसे बकवास करता है बाय द वे, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कौन कौन से आउटकम्स या कौन कौन से वेज कैंसिल जाएंगे। ये D1 तो कैंसिल जाएगा क्योंकि आप D1 से गए और D1 से बाहर आ गए, ये केस नहीं हो सकता क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जहाँ से आपने एंट्री ली वहाँ से आप एग्जिट नहीं ले सकते।
उसी तरह D2 विल गेट कैंसल्ड, ठीक है, जहाँ से एंट्री ली, यहाँ पर कहीं D3 आएगा, D4 एंड D5. हाउ मेनी आउटकम्स और हाउ मेनी वेज आर देयर? 5 वेज, 5 ऐसे तरीके होंगे जो आपके कैंसिल जाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी हाउ मच? 20. अच्छा, अब यहाँ पर कैसे निकालूंगा मैं डायरेक्टली कैसे निकालेंगे हम? अच्छा, अंदर जाने के वैसे कितने तरीके हैं सही बताओ? अंदर जाने के तो 5 ही तरीके हैं, शुरुआत में देखा जाए तो अंदर जाने के तरीके हैं 5. लेकिन जिससे आप अंदर गए, सपोज आप D1 से अंदर चले गए, तो आप वापस नहीं आ सकते D1 से. लेकिन वापस आने के और रिमेनिंग कितने तरीके हैं? 4. 20 वेज डायरेक्टली, ठीक है, नोट इट डाउन. मॉडल नंबर 2, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5 × 4, 20. अच्छा, व्हाट इज मॉडल नंबर 3? मॉडल नंबर 3 सेज टॉसिंग अ कॉइन एज वेल एज रोलिंग अ डाइस, ठीक है, ये तो बहुत आसान है. मॉडल नंबर थ्री इज रोलिंग अ डाइस एज वेल एज टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन या रोलिंग अ डाइस. अच्छा, अगर मैं कॉइन को टॉस करूँ, सपोज इफ आई टॉस वन कॉइन, व्हाट विल बी इट्स आउटकम? इफ आई टॉस वन कॉइन, ना, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, सो व्हाट विल बी इट्स आउटकम? हेड या टेल? Its outcome will be head or tail. So how many outcomes are there? 2. ठीक है. अच्छा, if I'll toss 2 coins, suppose 2 coins, what the outcome will come? अच्छा, दोनों head भी आ सकते हैं, एक head और एक tail आ सकता है, एक tail और एक head आ सकता है, या दोनों tail आ सकते हैं. कितना आ गया outcome? 4. Okay. अच्छा, if I'll toss 3 coins, suppose 3 coins, 3 coins mein what will be the possibility? Kitna aayega? 8. Acha, is 4 ko can you write it 2 ki power 2? So 3 coins mein it will come 2 ki power 3. How much? 8. Acha, aap chaho to iska outcome bhi likh sakte ho ya sample space bhi likh sakte ho. I am using this word sample space, it will going to help you in probability. Okay, I am using this word sample space is nothing but the outcomes. अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो आउटकम क्या आएगा, एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल. मैंने 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, फिर 2 बार लिखूंगा, 2 बार हेड, 4 के बाद 2 में आ गया मैं, और 2 बार टेल्स, 2 बार हेड, 2 बार टेल्स. उसके बाद एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल. ठीक है, लेटर ऑन आई टीच यू, देर इज़ वन मोर मेथड, वो ब्रांच वाला एक मेथड है जिसमें आप सैम्पल स्पेस निकाल सकते हो. जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा की, लेकिन हाँ कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है. सो कितने आउटकम्स आ गए? 8, मीन्स 2 की पावर 3. इन जनरल सपोज इफ देर विल बी एन कॉइन्स, अगर मैं इन जनरल बात करूँ, इन जनरल इफ देर विल बी हाउ मेनी कॉइन्स? एन कॉइन्स. सो व्हाट विल बी द टोटल सैम्पल स्पेस? 2 to the power n. Important. Note it down fast. The same way rolling a dice also works, beta. Acha, see here, if you will toss a coin, you will get 2 outcomes, na? Isliye you are getting 2 ki power 1, 2 ki power 2. To jiska bhi outcome agar 2 aaye, for example, I can, agar button ko on off karna hai, to button ke kitne outcomes hai? 2 hai, on or off. Wahan par bhi yahi condition aayegi. Suppose koi question hai jiska answer kya hai, true or false. तो वहाँ पर भी क्या है, सपोज इफ आई गिव यू 5 क्वेश्चंस, सो व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर्स? इफ आई गिव यू 5 क्वेश्चंस, द पॉसिबल आंसर्स विल बी 2 की पावर 5. इफ आई गिव यू 5 क्वेश्चंस, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स विल बी 2 की पावर 5. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू 2 क्वेश्चंस, अगर ट्रू और फॉल्स वाला कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स है, तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आउटकम कितना होंगे, ट्रू या फॉल्स? अच्छा, 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, तो दोनों ट्रू होंगे, या तो एक ट्रू एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स एक ट्रू होगा, या दोनों ट्रू होंगे, वही हेड एंड टेल वाला हिसाब है. हाँ, विच वन? नीचे फॉल्स, फॉल्स. ओके ओके. सो इफ 2 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, अगेन सेम जो सैंपल स्पेस निकल के आ रहा है, वो कैसे निकल के आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है, सेम एज कॉइंस. और अगर 5 क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली 2 की पावर 5. ये क्वेश्चन आया भी है, इसको अभी हम करेंगे. अच्छा, तो जहाँ पर भी बेटा 2 आउटकम्स आएंगे, ठीक है, रिमेंबर इट. अच्छा, रोलिंग अ डाइस, सपोज इफ यू रोल 1 डाइस,
अगर आप एक डाइस को रोल करते हो तो द आउटकम विल बी हाउ मच, 6 ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. इफ यू रोल टू डाइस 6 की पावर 2 36 36 कैसा आएगा, 1.11 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, 1.16 आ सकता है एट द एंड. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 6.1 से लेकर कहाँ तक आएगा, 6.6. ठीक है, सो ये इसके क्या जाएंगे, आउटकम्स हो जाएंगे टोटल. इसी तरीके से अगर देयर विल बी एन डाइसेस, सो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 6 की पावर n इन जनरल. ठीक है, इन जनरल. सो दिस इज योर मॉडल नंबर 3. अच्छा, मॉडल नंबर 4 जो मॉडल है उसको हम लोग कहते हैं शेल्फ मेथड. ठीक है, या बॉक्स मेथड, इसको हम शेल्फ मेथड भी कह सकते हैं या बॉक्स मेथड भी कह सकते हैं. अच्छा, बॉक्स मेथड क्या है, ध्यान से देखना, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सपोज इफ यू हैव 4 बुक्स, सपोज इफ यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, इफ यू हैव 4 बुक्स एंड दैट 4 बुक्स इफ यू हैव टू अरेंज इन अ शेल्फ, हैविंग 4 प्लेसेस. ठीक है, तो इसको 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 कैसे कर सकते हैं आप, ये इट सिंपली मीन्स कि आपको 4 बुक्स को 4 जगहों में अरेंज करना है ना. द आंसर विल बी 4p4. 4p4 विल बी नथिंग बट 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24. ठीक है, 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24. अच्छा, बट नाउ आई एम टीचिंग यू दिस बॉक्स मेथड. अब इस बॉक्स मेथड में आप क्या कर सकते हो, whenever you will get, see here, when you will get the number of objects as well as the number of places same, no, you can either use, there are 2 methods, see what you can do. Acha, in this first box, suppose agar ye 4 books main aapko de dun aur aapko agar ye 4 books fake nahi hai, theek hai, fake nahi hai, to aap pehli book kahan fake sakte ho, isme bhi, isme bhi, isme bhi, isme bhi, to kitne tarike honge aapke pehli book ko yahan par rakhne ke, kitne tarike honge, 4 तरीके होंगे. अच्छा, अब पहली बुक कहीं पर भी आ गई, सपोज आई डोंट नो यो किस लोकेशन में आई, ठीक है, या किस स्पेस में आई, सपोज यहाँ आ गई. अब दूसरे बुक है मेरे पास केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की भी मैं कहाँ फेंक सकता हूँ, यहाँ भी फेंक सकता हूँ, यहाँ भी फेंक सकता हूँ, यहाँ भी फेंक सकता हूँ, दोनों तरीके समझना बेटा. ठीक है, ये फेंकने वाला तरीका है. ठीक है, तो इन 2 3 3 थे, सपोज वो बुक यहाँ पर आ गई. अब बच्ची मेरे पास मैथ्स की, तो मैथ्स को मैं कहाँ फेंक सकता हूँ, मैथ्स को यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कितने तरीके हैं इसको रखने के, 2 तरीके. सपोज मैथ्स यहाँ आ गई और फाइनली बायो बची, बायो को यहाँ पर रखने का एक ही तरीका होगा, एक ही जगह. ऐसे भी कर सकते हैं इसको और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं. देखो दोनों ही तरीके देख लेना, इसको मैं ऐसे भी आपको सिखा सकता हूँ. पहले इस पहली स्पेस में कौन कौन सी बुक्स आ सकती हैं, इसमें फिजिक्स भी आ सकती है, केमिस्ट्री भी आ सकती है, मैथ्स भी, या बोल रहा हूँ मैं, कोई से भी आ सकती है. तो कितने तरीके हैं, 4. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पर आई एम टीचिंग यू बोथ द वेज. एक तो मैंने फेंकने वाला तरीका बताया यहाँ पर कि आपके पास बुक्स आपके हाथ में और 4 डब्बे आपको फेंकना है. दोनों ही तरीके भी काम आने वाले, मैं आपको बताऊंगा. वेन एवर यू विल फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स एज वेल एज द नंबर ऑफ शेल्फ सेम, वहाँ पर तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो. या तो आप बुक फेंक लो, बुक फेंकने में आप क्या कंसिडर करते हो, यू कंसिडर द स्पेसेस कि एक बुक को मैं कौन सी स्पेस में रख सकता हूँ. तो कौन सी स्पेस में रख सकता हूँ, इन चारों में से किसी में भी, 4. तो एक बुक कहीं पर भी फिट होगी, तो फिर रिमेनिंग केमिस्ट्री वाली बुक के लिए कितने स्पेस बढ़े, 3. फिर रिमेनिंग इसके लिए 2 स्पेस, फिर इसके लिए. यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स. यहाँ पर इस स्पेस को मैंने एक ही लिया, मैं अब मेरे पास स्पेस एक ही है, लेकिन इस एक ही स्पेस में कौन सी बुक आ सकती है, इन चारों में से कोई से भी. तो 4 तरीकों में से यहाँ बुक आ सकती है. चलो सपोज यहाँ पर एक बुक आ गई, सपोज यहाँ पर एक बुक आ गई, दोनों तरीका समझना बेटा अच्छे से. सपोज यहाँ पर कोई भी एक आ गई, सपोज बायो आ गई. अब इसमें मेरे पास अब बचे 3 बुक्स PCM, उन तीनों बुक्स में से कोई से भी आ सकती है 3. ठीक है, सपोज यहाँ पर एक आ गई, केमिस्ट्री आ गई. अब यहाँ पर बची मेरे पास 2 बुक्स, तो यहाँ पर दोनों बुक्स में से कोई से भी आ सकती है, और लास्ट में एक बुक बची जो यहाँ आएगी. दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है, यू आर गेटिंग द सेम. नोट इट डाउन बोथ द वेज. ये समझ रहे हो इस चीज़ को, ये फेंकने वाला है बेटा, ये रिंग फेंकने वाला है. आप जब किसी भी मेले में जाते हो तो वहाँ पर ऐसा गेम नहीं रहता कि यू हैव टू थ्रो द रिंग,
किसी ऑब्जेक्ट में, तो ये रिंग फेंकने वाला है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, रिंग थ्रोइंग मेथड, रिंग थ्रोइंग मेथड, ठीक है, ये रिंग थ्रोइंग मेथड है, जहां पर आपको नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ शेल्फ सेम दिए हैं वहां पर आप कोई सभी मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एनी मेथड। इसको आप रिंग थ्रोइंग मेथड कह दो और इसको आप बॉक्स मेथड कह दो, चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ पर सिर्फ रिंग थ्रोइंग मेथड यूज करोगे और कहाँ पर सिर्फ बॉक्स मेथड यूज करोगे, ठीक है, दैट्स व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अगर नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ शेल्स बराबर है तो यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड, ठीक है, लेकिन अगर, अब देखना बेटा इस चीज़ को अच्छे से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अब इफ नाउ यू हैव, सपोज आपके पास अब बुक्स कम हैं, सपोज आपके पास जो बुक्स हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और जो आपके पास शेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, एक दो तीन चार पाँच जगह हैं आपके पास, तो यहाँ पर बेटा नाउ यू कैन नॉट यूज़ बॉक्स मेथड। व्हाई, आई टेल यू, यहाँ पर अब आपको रिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, फेंकने वाला मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास शेल्स हमेशा ज़्यादा होंगी। अगर हमारे पास बुक्स ज़्यादा होंगी, शेल्स कम होगी, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बॉक्स मेथड। अच्छा, यहाँ पर हम बॉक्स मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो चाहे तो किसी भी जगहों में फिट हो सकती है। यहाँ पर ये पाँचों स्पेस, डेफिनेटली आई नो कि एट द एंड कोई ना कोई एक स्पेस बचने वाला है, क्योंकि चार ही बुक्स हैं, चार बुक्स कहीं पर भी आ जाएंगे, एक स्पेस तो बच जाएगा, वो एक स्पेस ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, मुझे पता है एट द लास्ट एक स्पेस बचना ही बचना है, लेकिन वो स्पेस मेरे लिए यूटिलाइज तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ा है कि वो रिजर्व है, बाय द वे ये स्पेस बचना है तो मैंने उसको रिजर्व कर दिया कि यहाँ डालूंगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो मेरे यूज़ में आया ही नहीं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज में थोड़ा काउंट होगा, फिर तो वही वाला सवाल हो गया, चार बुक्स को चार जगह डालना है, ठीक है। तो जहाँ पर अगर मेरे पास ऑप्शन में चारों हैं तो मुझे ये ऑप्शन में अगर ये पाँचों हैं तो मुझे इन पाँचों का यूटिलाइजेशन करना है, तो यहाँ पर मैं रिंग मेथड यूज़ करूँगा, और रिंग मेथड में मैं आपको बताता हूँ, रिंग मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले मेरे पास कौन सी बुक है, फिजिक्स की, तो फिजिक्स को मैं कहाँ डाल सकता हूँ, इन पाँचों में से कहीं भी डाल सकता हूँ, तो इन पाँचों में से कहीं भी डालूंगा, तो पहले कितने तरीके आ जाएंगे, पाँच, ये पाँच स्पेस हैं, ठीक है, सपोज वो बुक कहीं भी आ गई, यहाँ आ गई सपोज, अब दूसरी बुक कोई सी भी ले लो आप, मैंने केमिस्ट्री ले ली, अब केमिस्ट्री को मैं कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ भी डाल सकता हूँ, यहाँ भी, कितने तरीके हैं उसको डालने के, चार, सपोज वो यहाँ फिक्स हो गई। उसके बाद मेरे पास मैथ्स की बची, मैथ्स में कहीं भी इन तीन खाली स्पेसेस में कहीं भी डाल सकता हूँ, कितने तरीके, तीन, सपोज वो यहाँ आ गई। लास्ट में एक बुक बची बायो, और उस बायो के पास मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, दो हैं, तो कितने तरीके आ जाएंगे, दो, दिस विल बी माई आंसर। और अगर मैं यहाँ पर बॉक्स मेथड लगाऊँ, देखो बेटा क्या ब्लंडर होने वाला है, इफ आई अप्लाई बॉक्स मेथड हियर, अगर इसी में मैं बॉक्स मेथड लगाऊंगा, ध्यान से देखना, अब आपको समझ में आएगा कि why I cannot apply box method, ठीक है, PCMB चार बुक्स है मेरे पास, ठीक है, सपोज मैंने इस पहले बॉक्स मेथड लगा रहा हूँ, इस पहले में मैं क्या रख सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, कौन से बुक्स रख सकता हूँ, चार बुक्स पहले डब्बे में, ठीक है। अच्छा, दूसरे डब्बे में, अच्छा एक बुक तो यहाँ पर आ गई, अब बची मेरे पास सिर्फ तीन बुक्स बची, तो यहाँ पर मैं कितनी बुक्स रख सकता हूँ, तीनों में से कोई से भी, इंटू थ्री, अब आया मैं इस डब्बे में मेरे पास दो बुक्स बची, दो बुक्स में से कोई सी भी रख सकता हूँ, इंटू टू, अब बचा यहाँ पर मेरे पास कितनी बुक बची, एक बुक, और एक बुक को मैं यहाँ पर एक, इसका मतलब ये डब्बा तो यूज़ ही नहीं हुआ, मेरे ऑप्शन में आया ही नहीं, मैंने इसका यूटिलाइजेशन कराया नहीं, बल्कि मेरे पास था ये पॉसिबिलिटी था कि आई कैन यूज़ दिस ऑल्सो। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है और मैं अगर बॉक्स मेथड यूज़ करूँगा तो यहाँ पर कोई स्पेस बच जाएगी जिसका मैं यूज़ कर ही नहीं पाया, यहाँ पर मैंने सबका यूज़ करा, भले लास्ट में खाली बचेगा, बट आई हैव यूज्ड इट, मेरे पास वो ऑप्शन में था, यहाँ पर तो मैंने उसको यूज़ ही नहीं कर पाया मैं, तब तक तो मेरी बुक सारी अरेंज हो गई। सो दिस इज़ नॉट द राइट मेथड फॉर इफ़ यू विल हैव नंबर ऑफ शेल्स मोर देन द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस ऑल्सो, दिस इज़ विच मेथड, रिंग मेथड, रिंग थ्रोइंग मेथड, ठीक है, फेंकने वाला मेथड है,
बॉक्स मेथड यूज करेंगे डेफिनेटली जहां पर नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे. ठीक है, ठीक है, दिस ऑल्सो यू शुड नो. अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, सपोज अगर मेरे पास चार बुक्स हैं और तीन ही जगह हैं तो वहाँ पर वी विल यूज बॉक्स वाला मेथड. ठीक है, तो ये समझ में आया, दिस बॉक्स मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस. बेटा क्वेश्चन लिखना, लिखना फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स. Find the number of three digit numbers. Find the number of three digit numbers. ठीक है, Find the number of three digit numbers. You have to make three digit numbers which can be formed using the digits. Which can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, and 5. Which can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, and 5 without repetition का मतलब क्या है? हाँ, कि रिपीट नहीं होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पर बेटा इफ यू सी दैट नंबर्स आर मोर देन द स्पेसेस और द शेल्स, यहाँ पर नंबर ज़्यादा है तो कौन सा मेथड यूज़ करूँगा मैं? बॉक्स मेथड यूज़ करूँगा. रिमेंबर दैट. अब यहाँ पर फेंकने वाला मेथड काम नहीं आएगा मेरा. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर मुझे बॉक्स मेथड यूज़ करना है, कहाँ पर फेंकने वाला मेथड मुझे यूज़ करना है. अच्छा, हियर सी नाउ, अब आपसे क्या बोल रहा है द, यहाँ पर आपसे बोला है विदाउट रिपीटेशन ऑल्सो, आपसे बोला है विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं होना चाहिए भाई. ठीक है, आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक थ्री डिजिट नंबर्स. आप कितने थ्री डिजिट नंबर्स बना सकते हो यूजिंग दिस डिजिट्स. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा पहले में यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो 1 से लेके 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है. टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हैं? 5. अच्छा, जो भी नंबर यहाँ आ गया, सपोज यहाँ 1 आ गया तो 1 यहाँ नहीं आ सकता बेटा, यू कैन नॉट रिपीट इट. तो अब यहाँ, अब मैंने सपोज यहाँ पर 1 आ गया तो 1 तो फिर साइड हो गया. अब रिमेनिंग कितने बचे? 4 यहाँ पर आ सकते हैं इनटू 4. अब जो यहाँ पर आ गया, सपोज यहाँ पर फिक्स हो गया, सपोज यहाँ पर 4 आ गया या यहाँ पर 3 आ गया, तो रिमेनिंग कितने बचे? फिर 3 नंबर्स और बचे, वो 3 नंबर्स कहाँ आएंगे? So your answer will be 60. अच्छा, अगर ये विथ रिपीटेशन होता, ध्यान से देखना, अगर यही सवाल होता विथ रिपीटेशन, अगर यही सवाल होता विथ रिपीटेशन तो क्या होता, पहले में 5 आते और दूसरे दोबारा वो रिपीट होता. सपोज यहाँ पर 1 आ गया तो दोबारा रिपीट हो सकता, फिर सारे फाइव आते. तो कितने थ्री डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड होते विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन? Any doubt? Okay. Now, let's write down one more question. 10 true or false questions are given to you. 10 true or false questions are given to you. True or false questions are given to you. Find how many different answers are possible. 10 true false questions. A part क्या बोल रहा है आपसे? Find how many different, हाँ, possible answers. क्या answer आएगा? अच्छा, total number of answers क्या जाएगा? Total number of possible answers. क्या आएगा? 2 to the power 10. बेटा 10 ट्रू और फॉल्स, अगर मैं आपको सैम्पल स्पेस दिखाऊं तो उसमें क्या होगा? पहले 10 के 10 ट्रू हो सकते हैं, ठीक है, या क्या हो सकता है, सारे ट्रू, मतलब मैक्सिमम ट्रू और एक फॉल्स, लास्ट वाला फॉल्स हो गया, या फिर इसको ऐसे भी. और फाइनली क्या हो सकता है? सारे फॉल्स. इफ ही इज आस्किंग द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, तो वो 10 ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? सारे क्वेश्चन ट्रू भी हो सकते हैं, या उसमें से 9 ट्रू हो गए, एक फॉल्स हो गया, या 8 ट्रू, 9th वाला फॉल्स है, 10th वाला ट्रू है, तो ऐसे टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? 2 to the power 10, which means 1024.
विच मीन्स 1024. और लास्ट क्या आएगा, लास्ट आएगा आपका सारे फॉल्स. सो इट्स वेरी टफ टू शो यू ऑल द आउटकम्स. 1024 अगर मैं आपको दिखाने लग गया तो आज रात यहीं रुकना पड़ेगा हमें, ठीक है. सो अच्छा, नाउ व्हाट इज द बी पार्ट, नाउ व्हाट इज द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बी पार्ट में पूछ रहा आपसे ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, ठीक है. अगर आपसे पूछेगा, देखो बेटा अब आपको निकालना है अगेन, बट यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ आंसर्स इन विच ऑल द क्वेश्चंस आर, ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट. आप खुद ही देख लो बेटा, फ्रॉम हियर यू विल कम टू नो. देयर इज ओनली वन पॉसिबल आंसर इन विच यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट. बाकी में कहीं ना कहीं एफ आएगा, आएगा कहीं पर, एक आएगा कहीं पर, दो आएंगे कहीं पर, सारे आएंगे. सो इन तो कितने कितने आंसर्स आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस मेरे सही होंगे, ओनली वन. कितने, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन दिस ना. नाउ व्हाट इज द सी पार्ट, एटलीस्ट वन करेक्ट. अच्छा ये बड़ा अच्छा है बेटा, एटलीस्ट वन करेक्ट. इसको ध्यान से समझना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक करेक्ट. अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सारे करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 100 रुपीज़ और मुझसे कोई कहेगा एटलीस्ट 10 रुपीज़ लाना, तो मैं कम से कम 10 तो लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैक्सिमम कितने ला सकता हूँ, जितनी मेरी लिमिट है कितनी है, 100 मैक्सिमम मैं 100 ला सकता हूँ. तो बीच की चीज़ें सारी कवर होंगी ना इसमें. तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं एटलीस्ट वन में सैम्पल निकालूँगा तो बहुत आ जाएंगे. एटलीस्ट वन में क्या है, जिसमें सिर्फ एक सही हो ना, सारे सही वाले तो आएंगे, एक सही वाला हो, दो सही, तीन सही, चार सही, पाँच सही. इससे अच्छा मैं क्या करूँ, एटलीस्ट वन करेक्ट में क्या करूँ, मैं टोटल में से क्या माइनस कर दूँ, इनकरेक्ट वाला माइनस कर दूँ. एटलीस्ट वन करेक्ट का मतलब है कि एक ना एक तो सही होना ही चाहिए. इसमें एक ही ऐसा क्या होगा, पॉसिबल आंसर होगा जिसमें सारे ही गलत होंगे ना. तो अगर मैं एटलीस्ट वन करेक्ट अगर मुझे लाना हो तो मैं कैसे ला सकता हूँ बेटा, यू हैव टू थिंक ना इन द अनदर वे. कैसे लाऊंगा मैं, टोटल में से व्हाट विल सब्ट्रैक्ट. एटलीस्ट वन करेक्ट में क्या कर लोगे, हाँ नो वन इज करेक्ट. अगर टोटल में से आप नो वन इज करेक्ट वाले पॉसिबल आंसर्स को माइनस कर दोगे, यू विल गेट एटलीस्ट वन का मतलब है सारे केस आ जाएंगे उसमें, वन से लेके सारे केस आ जाएंगे, ठीक है. सो टोटल कितना आया था अभी हमारा आंसर, 1024 माइनस नो वन इज करेक्ट में कितना आएंगे, एक ही आएगा. ऑल आर करेक्ट में भी एक आएगा, नो वन इज करेक्ट में भी एक ही आएगा, ठीक है. इज इक्वल टू आंसर विल बी 1023. अब 1023 थोड़ा निकालते सारे में, तो वो अदर वे आपको आना चाहिए. अच्छा व्हाट इज द डी पार्ट, एग्जैक्टली वन करेक्ट. एग्जैक्टली वन करेक्ट में क्या होगा, हाँ एग्जैक्टली वन करेक्ट में एक सही होना चाहिए. अब एक सही होना चाहिए बेटा, एग्जैक्टली एक सही होना चाहिए. तो मैं सैम्पल स्पेस बना के दिखाता हूँ आपको. एग्जैक्टली एक करेक्ट कि मैं अगर बात करूँ तो ऐसा आ सकता है, ध्यान से देखना, एक सही और सारे फॉल्स, ठीक है. या क्या आ सकता है, दूसरा सही और सारे फॉल्स. क्या आ सकता है, तीसरा सही और सारे फॉल्स, चौथा सही और सारे फॉल्स, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां. ऐसे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, 10, जिसमें एग्जैक्टली वन करेक्ट होगा. एग्जैक्टली वन बेटा, एग्जैक्टली वन का मतलब है या तो पहला क्वेश्चन भी सही हो सकता है, या दूसरा भी सही हो सकता है, या तीसरा, या आ रहा है ना तो मैं प्लस लगा रहा हूँ, या चौथा, या ऐसे कितना देंगे, 10 तक. योर आंसर विल बी 10, ठीक है. आई हैव शोन यू द सैम्पल स्पेस एज वेल, ठीक है. पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, ऐसे 10वां सही. टोटल कितना आ जाएंगे, फिर क्या है, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है. तो ये क्या है, एग्जैक्टली वन करेक्ट, ठीक है. राइट डाउन कर लेते हैं. एंड इट्स अगेन वेरी सिंपल, कुछ एनडीए में पूछे गए हैं बच्चे से. बेटा व्हाट इज द क्वेश्चन, अच्छा 10 स्टूडेंट्स कॉम्पीट इन अ रेस, ठीक है. आपसे बोला है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, ये एनडीए का सवाल है, ठीक है. 10 स्टूडेंट्स कॉम्पीट इन अ रेस, हाँ फिर क्या पूछा है, अच्छा आपसे पूछा है फाइंड इन हाउ मेनी वेज. ओके, फाइंड इन हाउ मेनी वेज, हाँ दे कैन ऑक्यूपाई द टॉप
द टॉप थ्री पोजिशंस. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स कॉम्पीट इन अ रेस, फाइंड इन हाउ मेनी वेज दे कैन ऑक्यूपाई द टॉप थ्री पोजिशंस. ठीक है, अच्छा 10 स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो रेस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो कितने तरीक़ों से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. ठीक है, सपोज अगर मैं पोडियम, ऐसे एक पोडियम बनाऊं, सपोज ये फर्स्ट पोजीशन का पोडियम है, ये सेकंड का, ये थर्ड का. तो सपोज अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट से, ठीक है, तो बहुत ईजी है बेटा, ये तो बहुत ईजी है. फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट पोजिशन 10 है, 10 में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो कितने तरीके हैं, 10 तरीके इस फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर करने के. अच्छा सेकंड पोजीशन की बात करूँ मैं, सेकंड पोजीशन को एक्वायर करने के, यहाँ पर अब एक बंदा तो आ ही जाएगा, एक बंदा फर्स्ट आ गया, और रिमेनिंग कितने बचे, 9 लोग ये पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं. यहाँ पर भी एक आ गया, रिमेनिंग बचे 8, आंसर अभी 720. तो 720 तरीकों से इन, या 720 वेज से ना, दिस थ्री पोजिशंस कैन बी ऑक्यूपाई बाई 10 स्टूडेंट्स. सी एनडीए में पूछा गया है, सिंपल कौन सा मेथड है, बॉक्स मेथड. कौन सा मेथड है, बॉक्स मेथड. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम है, क्या है, सेवन फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, सारे सिंपल क्वेश्चन है बेटा, दिस आर ऑल सिंपल क्वेश्चन. सेवन फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, आपको 7 फ्लैग्स रखे ऑफ डिफरेंट कलर्स. यस, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स. अच्छा, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, अच्छा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग टू फ्लैग्स. तो आपने 2 फ्लैग्स से बेटा सिग्नल्स को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, और 7 फ्लैग्स एंड 1 अबव द अदर. ठीक है, आपने सपोज ये 2 हैं, फिर से आप बॉक्स बनाओगे. ठीक है, आपके पास 7 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर, ऑफ डिफरेंट कलर, तो आप वो 7 फ्लैग्स को यहाँ पर 2 पोजीशन, 1 अबव द अदर, 2 पोजीशन में आप कैसे रखोगे, ताकि आप डिफरेंट सिग्नल्स बता सको. तो कैसे, बहुत ईजी बेटा, अगेन फर्स्ट में इन 7 फ्लैगों में से आप कोई सा भी रख सकते हो, और रिमेनिंग सेकेंड पोजिशन में जो रिमेनिंग 6 है उनमें से कोई भी रख सकते हो. योर आंसर भी 42 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बेटा, 42 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स. ओके, अब ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर थिंग टू डिस्कस विथ यू ऑल. ठीक है, एक और चीज़ है आपको मैं बता दूँ. ठीक है, देन आई विल नोट दैट डाउन ऑल्सो. ठीक है, सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर सपोज 3 लोग हैं, सपोज देर आर 3 कैरेक्टर्स लाइक ABC. ठीक है ना, अगर 3 लोगों को 3 जगह में बिठाने के कितने तरीके हैं, यू ऑल नो कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल. इसको मैं मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे लिखता हूँ, NPR के फॉर्म में, दैट विल बी 3P3 एंड अगेन आई विल गेट 3 फैक्टोरियल. और इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पहले मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है ना, तीनों में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 3C3 फिर इनको अरेंज करना है इनटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी कह सकता हूँ मैं. ठीक है, अच्छा ओके, सपोज तो ये तो बहुत ईजी बेटा, 3 लोगों को 3 जगह में मुझे अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल. सपोज अगर ऐसा मेरा नाम है SURAJ, सूरज. ठीक है, कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं. 5 लेटर्स को 5 जगह अरेंज करने का तरीका कितना है, 5 फैक्टोरियल. ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मेरा नाम ऐसा होता है बेटा, जैसे साउथ इंडिया में ऐसा नाम होता है SOORAJ, सूरज. अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 लेटर सेम रिपीट हो रहे हैं. अच्छा अब यहाँ देखना बेटा, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा हो, सपोज मेरे पास A. अच्छा इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 3 A को मैं 3 जगहों में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ. अच्छा इनको मैं अरेंज करता हूँ, इस A को मैं पहले ले आता हूँ, डज इट मेक एनी डिफरेंस. अच्छा अब मैं इस A को पहले ला रहा हूँ, अगेन डज इट मेक एनी डिफरेंस, कितने अरेंजमेंट है, एक ही है बेटा, ये एक ही अरेंजमेंट है, तो एक ही अरेंजमेंट है. तो इसको कैसे मैथमेटिकली कैसे करोगे आप, 3 लोगों को 3 जगह अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, और उसमें जो भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जो लेटर्स जितने बार रिपीट हो रहे हैं अपॉन उसका फैक्टोरियल, 3 लेटर्स कितने बार रिपीट हो रहे हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल, ए कितने बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल. तो अगर मैं इसकी बात करूँ सेम वे, अगर मैं बात करूँ इसकी, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं इसको अरेंज करूँगा अलग अलग ऑर्डर में, तो डेफिनेटली एक येलो सूरज आएगा, और एक इस ओ को मैं यहाँ कर लूँगा तो एक येलो आएगा. इज देर एनी डिफरेंस इन दिस, ये ओ है, ये ओ है, क्या फ़र्क पड़ रहा है.
इज देयर एनी डिफरेंस ना, तो वो दो अलग अलग आ जाएंगे जो कि सेम होंगे अरेंजमेंट में, ठीक है। अगर सेम चीज़ें हैं तो उनका अरेंजमेंट फिर वो सेम होता है। तो इसमें क्या लिखूंगा, अच्छा कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 लोगों को 6 जगह अरेंज करने की जगह, तो 6 फैक्टोरियल ही होता है, लेकिन अपॉन ओ कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी माई आंसर, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर अलग अलग लेटर्स, अलग अलग लेटर्स अलग अलग बार रिपीट हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दूँ, सपोज आई हैव अ वर्ड अलाहाबाद, अलाहाबाद, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप ये लिखना अलाहाबाद कितनी जगह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जगह, 9 लेटर्स को 9 जगह में अरेंज करने का तरीका होता है 9, 9 फैक्टोरियल। हाँ लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ए, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसके अलावा और भी लेटर्स है जो रिपीट हो रहे हैं, एल, एल कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो n2 2 फैक्टोरियल ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जाम्पल लिख लोगे तो उसमें सारा कवर हो जाएगा आपका, नोट डाउन दिस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यू आर है ये हमेशा साथ में रहे, मैं चाहता हूँ कि ये यू आर हमेशा साथ में रहे, ये अलग अलग कभी ना हो। तो मैं इस यू आर को क्या कर दूंगा, एक डब्बे में बंद कर दूंगा, तो इनकी अब एक ही सीट होगी देखा जाए तो। अब कितने हो गए बेटा मेरे पास लेटर 1, इसको मैं एक ही काउंट करूंगा, 2, 3, 4 ना। और हाँ ये जो बड़ा सा डब्बा है इसके अंदर इनकी भी तो अपनी अपनी जगह है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब जब मैं चाहता हूँ कि यू आर अपनी जगह से हिले ना, ठीक है, यू आर अगर उठ के जाए तो यहाँ जाए, ताकि यू आर हमेशा साथ रहे, मैं चाहता हूँ कि यू आर शुड बी ऑलवेज टुगेदर, यू शुड बी नेक्स्ट टू आर, इन दैट केस व्हाट विल हैपन हियर, 1, 2, 3, 4 चार लेटर्स को चार जगह अरेंज करने का तरीका है 4 फैक्टोरियल। लेकिन उसके अंदर उस डब्बे के अंदर जो 2 लेटर्स है उन 2 लेटर्स को भी तो अरेंज करना है, उन 2 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा अगर ऐसा होता SOOR AJ, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं NDA, ठीक है, इसको हम कल करेंगे, बस कंसेप्ट आज सीख लेते हैं। अगेन वो क्या कह रहा है, द टू ओज शुड बी ऑलवेज टुगेदर, यू हैव टू अरेंज द सूरज इन सच अ वे दैट द टू ओज शुड बी ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा अगर मैं सीट्स देखूँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 5 लोगों को 5 जगह अरेंज करने के तरीके कितने, 5 फैक्टोरियल है। अच्छा लेकिन ये जो मेरी, ये जो 2 लोग हैं जो एक साथ हैं, ये जो 2 लेटर्स एक साथ हैं, इनके अंदर भी तो सीट्स हैं ये, अब इन 2 लोगों को 2 जगह बिठाने के तरीके कितने हैं, 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये 2 क्या है, सेम है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल भी होगा, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, यू विल गेट ओनली 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा कभी कभी ये भी आता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस वर्ड सूरज वेयर 2 ओज शुड नॉट कम टुगेदर, ये तो टुगेदर था, शुड नॉट कम टुगेदर में क्या आएगा, should not come together में find its total number of ways to arrange it, then find the total number of ways जहाँ पर together हों, and then subtract total minus together, you will get not together, okay? So this we will do tomorrow, ठीक है, note down these 2 examples as well, and the rest questions we will do tomorrow. Any doubts to anyone?